नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। और आज की इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। मेरा नाम है अरविंद शुक्ला। 31 अगस्त 2021, तो बैंक एग्जाम्स में 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। और आपको बता दें कि अन अकेडमी पर मेरा कोड है ARS50, तो आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, मॉर्निंग 8 AM पर मैं आपके लिए लेके आता हूं डेली करंट अफेयर्स का सेशन, तो आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कल बुधवार है, तारीख 1 सितंबर है, और आपके लिए टॉप एजुकेटर्स के टॉप न्यू बैचेस कल 1 सितंबर से आपके लिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि अन अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक प्रिपरेशन एग्जाम। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि 30+ बैचेस, न्यू बैचेस आपके लिए हमेशा आते हैं अपकमिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए। 40K आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, ये वो कंटेंट है जो प्रीवियस एग्जाम्स के लिए या कंसेप्ट्स के लिए पढ़ाए गए। यानी आपके कंसेप्ट्स अगर मान लीजिए आगे क्लास में आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक मुझे थोड़ा पता होना चाहिए, तो आप यहां से देख के अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। 20 घंटे का कंटेंट एवरी आवर एड किया जाता है। और अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं कि मैं कितना अभी और इंप्रूवमेंट करना है या मैं कितना इंप्रूव कर चुका हूं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है MCQ, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लगभग 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए अन अकेडमी पर अवेलेबल है, ठीक है। और 70+ एजुकेटर्स आपके लिए क्लास ले रहे हैं और 98% कैंडिडेट्स का ट्रस्ट यानी विश्वास है अन अकेडमी पर, तो आप भी इसी विश्वास का प्रतीक हैं। और एक बार अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर ऐड करके अच्छी तैयारी करके देखिए, सिलेक्शन आपके साथ होगा। तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। ट्रंप डाउट बैच आपके लिए है, रणबीर एडवांस बैच है, रन विजय CT बैच है, ये सभी बैच आपके लिए अवेलेबल है। अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है एक यूनिक फीचर जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इस यूनिक फीचर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि लाखों स्टूडेंट्स लाखों क्वेरीज के बिना रह जाते हैं, उनके आंसर नहीं मिल पाते हैं, और उन आंसर को प्रोवाइड करने का बीड़ा उठाया अन अकेडमी ने अपने आस्क अ डाउट फीचर से, जिसमें लाखों क्वेरीज के आंसर हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करेंगे। आपसे एक जयसवाल जी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, वेलकम, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको बता दें कि आस्क का डाउट फीचर का फायदा कैसे उठाना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं, और इस क्वेश्चन के इन क्वेश्चन के आंसर हमारा एक्सपर्ट पैनल देगा आपको, ठीक है, जो कंटेंट के ऊपर अपनी महारत रखता है। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, डाउट एंड सोल्यूशन पे जाना, पहला स्टेप डाउट एंड सोल्यूशन पे जाना है, दूसरा स्टेप आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, तीसरा स्टेप उस इमेज को क्रॉप करके हाईलाइट कर देना है, चौथा स्टेप उसका सब्जेक्ट आपको लिख देना है, और जैसे ही सब्जेक्ट लिख देंगे आपके लिए आपका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन हुआ यूनिक तो आपको दिया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन, जिससे कि आप उस चीज को और बेहतर तरीके से पढ़ पाएं। और आपको बता दें, अन अकेडमी एवरी संडे आपके लिए लेके आता है लाइव कॉम्बैट। क्या लेके आता है? लाइव कॉम्बैट लेके आता है, जहां पर 50 मिनट में आपको 36 क्वेश्चन करने को मिलते हैं। और ये जो लाइव कॉम्बैट होता है, बैंक एग्जाम का कॉम्बैट होता है या बैंक कॉम्बैट होता है, ये कॉम्बैट अपकमिंग बैंक एग्जाम के ऊपर आधारित होता है। इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलेगा इनाम, और ये इनाम है स्कॉलरशिप इनाम, जहां पर 1 करोड़ प्लस रुपए का पूल प्राइस है, ठीक है। और मेगा कॉम्बैट अभी हाल ही में 29 अगस्त को ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने सर का कोड, और आपके सर का कोड है ARS50। क्या है कोड? ARS50, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें, सीटी प्रिपरेशन ऑफर सेव बिग ऑन बैंक एंड SSC कॉम्बो, यहां पर आपके लिए 21% का डिस्काउंट होता है, 6-6 मंथ का आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है, और जो लोग RBI नाबार्ड की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 75% ऑफ है, ठीक है। तो आप इन सभी ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं यूज करके अपने सर का कोड, और सर का कोड है ARS50। क्या है सर का कोड? ARS50। और आज है 31 तारीख, ये डिस्काउंट आज तक ही वैलिड है। कब तक वैलिड है? आज तक ही वैलिड है। अमनदीप सिंह, गुड मॉर्निंग। रुपिंदर सिंह, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आप मेरी स्पेशल क्लास शाम को 5 बजे पढ़ सकते हैं, 5 PM पर मैं लेके आता हूं आपके लिए अपनी स्पेशल क्लास, और इस स्पेशल क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव होता है 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन करना, ठीक है।
तो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस आपके लिए प्रोवाइड करता अनअकैडमी। बेस्ट टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप ARS50 कोड का प्रयोग करके, इनविटेशन कोड है। और बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है 24 मंथ 12 मंथ, जहां पर आप ARS50 कोड का प्रयोग करके पा सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या पा सकते हैं? एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, लेट्स क्रैक इट, ऑल सेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए पहली खबर आपके लिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। देखिए आज का जो सेशन होगा वो पैरा ओलंपिक को टारगेट किया गया, थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्ट्स को टारगेट किया गया। रीजन कि पैरा ओलंपिक में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उम्मीद से दो गुना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और भारत के मैक्सिमम एथलीट यहां पर मेडल जीत रहे हैं। क्या जीत रहे हैं? मेडल जीत रहे हैं। तो आज का जो टारगेट है, क्योंकि बहुत सारे मेडल आ गए, खिलाड़ियों के नाम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं किस स्पोर्ट से हैं और कौन सा मेडल जीता, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा जो स्पोर्ट्स का कुंभ है जिसे नाम दिया गया है ओलंपिक चल रहा है, और ओलंपिक के बाद अब स्टार्ट हुआ है 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक, और यहां पर भी उतना ही क्रेज दिखाई दे रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके सामने, ये रहा, नेम इंडियन एथलीट हु वॉन अ सिल्वर मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक 2020 जेवलिन थ्रो। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसने जेवलिन थ्रो में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। और हमारे क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही रुपिंदर जी ने आंसर दे दिया है, देवेंद्र झाझरिया, और इनके नाम पिछले ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ सिल्वर मेडल जीता है देवेंद्र झाझरिया साहब ने। किसने जीता? बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी है, देवेंद्र झाझरिया। पहले तो आप फोटो देखिए देवेंद्र झाझरिया साहब की, ये है देवेंद्र झाझरिया जो जेवलिन फेंकते हैं, और जेवलिन में कल एक गोल्ड मेडल भी आया, अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया वॉन अ सिल्वर मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक विद अ पर्सनल बेस्ट थ्रो ऑफ 64.35 मीटर। इन्होंने अब तक की अपनी सबसे बेस्ट थ्रो की है 64.35 मीटर। दिस इज झाझरिया थर्ड पैरालंपिक मेडल, ये झाझरिया का तीसरा पैरालंपिक मेडल है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथेंस में और रियो ओलंपिक में, और यहां पर भी इनकी पूरी ताकत लगा दी गई थी, और इन्होंने पिछले बार से ज्यादा अच्छा थ्रो किया, लेकिन यहां पर इस बार गोल्ड मेडल चला गया श्रीलंका के नाम। कहां चला गया? श्रीलंका के नाम। और जुबैर आलम जी आपका स्वागत है। तो झाझरिया मैनेज अ बेस्ट थ्रो 64.35 मीटर विच हेल्प हिम सरपास हिज ओन वर्ल्ड एंड गेम रिकॉर्ड 63.97 मीटर विच हैज हेड सेट आर 2016 पैरालंपिक्स, ठीक है। तो आपको बता दें यहीं पर एक और मेडल आया है भारत के लिए, ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल आया? ब्रॉन्ज मेडल सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट, 64.01 मीटर इन्होंने फेंका है। अर्लियर योगेश कुथुनिया बैग सिल्वर इन मेंस डिस्कस थ्रो, इसके पहले योगेश साहब ने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और आप बता दें गुर्जर जिन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उन्होंने पैरालंपिक में पहली बार खेला है, और गुर्जर ने यहां पर देखिए 64.01 मीटर की थ्रो की है। तो बहुत बढ़िया, भारत को यहां पर मिला है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। क्या मिला है? सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। अमनदीप सिंह बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो यहां पर देखिए गोल्ड किसके पास गया था? गोल्ड गया था श्रीलंका के पास। किसके पास गया? श्रीलंका के पास। और सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल कहाँ आया है? ये दोनों मेडल आए हैं भारत के पास। किसके पास? भारत के पास, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पहली इंफॉर्मेशन। अगली क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने ये रही, चलिए फटाफट। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनने के बाद किसने इतिहास रचा है? Who has created sporting history after becoming the first Indian woman to win a gold medal in Paralympic 2020 Tokyo? फटाफट बताना है। सुंदर सिंह गुर्जर from करौली राजस्थान। Yes, करौली, करौली सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे माता का मंदिर भी है। और देवेंद्र झाझरिया शायद गुजरात से आते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला का नाम बताना जिन्होंने इतिहास रच दिया। कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस स्पोर्ट्स के साथ कि यहां पर गोल्ड मेडल आएंगे, लेकिन शायद इस बार हमारा लक अच्छा नहीं था, लेकिन इसी लक को और मजबूत कर दिया है हमारी पैरालंपिक टीम ने, जिसने इस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया है। और उनका नाम है अवनी लखारा। और इन्हें किस स्पोर्ट्स का नाम बताएंगे आप लोग? क्या स्पोर्ट्स का नाम बताइए भाई, स्पोर्ट्स का नाम बताइए। अमन वर्मा जी, अमनदीप जी, रुपिंदर जी, सही आंसर दिया है अवनी फ्रॉम जयपुर राजस्थान इज द राइट आंसर, बट सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि भारत की शूटर, ये शूटिंग से रिलेटेड है, और इन्होंने अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया है, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रख दिया है, और पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल पर निशाना साध दिया है। बहुत बढ़िया। तो भारत की निशानेबाज अवनी लखारा ने पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनकर खेल इतिहास रच दिया है। 19 वर्षीय टोक्यो में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल इवेंट में 149.6 के प्रभावशाली स्कोर के साथ इन्होंने जीत हासिल की। इसी के साथ लखेरा ने पैरालंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया, 249.6 के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। भारत की पैरालंपर है शूटिंग से अवनी लखारा, ठीक है। तो वर्तमान में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में लखेरा की पहली उपस्थिति है। चीन की झांग कुईपिंग ने 248.9 स्कोर के साथ रजत पदक और यूक्रेन की इरिना सेतनिक ने पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आपको बता दें भारत की अवनी शूटर है 10 मीटर एयर राइफल में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, फटाफट आपको बता दें तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। फटाफट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बेल्जियम ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया है? फटाफट बताना है दोस्तों, बेल्जियम ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया है? चलिए फटाफट आंसर देना है, 2021 बेल्जियम ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी को देना है कि बेल्जियम ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट आंसर देना है। और यहां पर लिख दिया गया है मैक्स वेरस्टैपेन, नीदरलैंड रेड बुल, बिल्कुल सही आंसर है मैक्स वेरस्टैपेन। देखिए रेड बुल के कपड़े भी पहने मैक्स वेरस्टैपेन, जो किससे आते हैं? रेड बुल से आते हैं, रेड बुल के ड्राइवर है, ठीक है। तो आप सभी को बता दें यहां पर कि रेड बुल के जो मैक्स वेरस्टैपेन है, इन्होंने फॉर्मूला 1 शॉर्ट्स रेस एवर इन हिस्ट्री विद द रेन हिट बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स अबैंडन्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 3 लैप्स बिहाइंड सेफ्टी कार। तो आपको बता दें यहां पर कि मैक्स वेरस्टैपेन ने, रेड बुल के जो ड्राइवर है, इन्होंने फॉर्मूला 1 के इतिहास में अब तक की सबसे छोटी रेस को जीत लिया है, जिसमें बारिश से प्रभावित बेल्जियन ग्रां प्री को सेफ्टी कार से लगभग 3 लैप पीछे छोड़ दिया गया है। विजेता को दिए गए केवल आधे अंक के साथ दौड़ को 1 घंटे तक छोटा कर दिया गया था, जिसे जीतने के लिए केवल 2 लैप पूरा करने की आवश्यकता थी। तो बेल्जियम के जॉर्ज रसेल अपने पहले फॉर्मूला 1 पोडियम को सुरक्षित करने के लिए दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड प्लेस पर रहे, जबकि 7 बार के चैंपियन मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज से आते हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको हम बता दें कि जो आपके जो फॉर्मूला 1 रेसेस हैं, उनके बारे में बता दें। सबसे पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा जीता गया है, और ये रेड बुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड से आते हैं। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है, रेड बुल नीदरलैंड से आते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है, रेड बुल नीदरलैंड से आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें मोनैको, कौन सा बता दें? मोनैको फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? मोनैको फॉर्मूला 1 रेस मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है,
और इन्होंने इसके बाद फॉर मोनेको के बाद आपको बता दे एमिलिया, एमिलिया का नाम सुना होगा, एमिलिया एमिलिया फॉर्मूला वन रेस किसने जीती है, मैक्स वेरस्टेपन, मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है। ठीक है, बहुत इस बार सबसे आगे मैक्स वेरस्टेपन ही चल रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दे स्पेनिस, कौन सी स्पेनिस, स्पेनिस जो फॉर्मूला वन रेस है इसे जीता है किसने, लुइस हैमिल्टन ने, किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन कहाँ से आते हैं, लुइस हैमिल्टन आते हैं ग्रेट ब्रिटेन से, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, किसके, मर्सिडीज के, किसके, मर्सिडीज के ड्राइवर है। ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर है। और इसके बाद आपको बताते हैं पुर्तगीज, पुर्तगाली जो पुर्तगाली फॉर्मूला वन रेस है इसे किसने जीता है, इसे भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मूला वन रेस थी। और बेल्जियम ग्रां प्रिक्स किसने जीती है, मैक्स वेरस्टैपन ने, किसने जीती है, मैक्स वेरस्टैपन ने जीती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा दोस्तों, बेल्डन, क्या बात है। देखिए फटाफट ऐसे ही आंसर देते जाइए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टोक्यो में आयोजित 2020 पैरालंपिक खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस में ऐतिहासिक रजत पदक का दावा किसने कर दिया है, यानी आपको बताना है कि यहां ऐतिहासिक सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया है। अमन वर्मा जी ने आंसर दे दिया है और यहां पर चौथे का ई आंसर दे दिया है, और इनका नाम है भवानी बेन पटेल, भवानी बेन पटेल। इन्होंने क्या जीत लिया है, सिल्वर मेडल, क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, बिल्कुल सही, सिल्वर मेडल जीता है अमन वर्मा, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। तो टेबल टेनिस की बात कर ले, टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस में भारतीय पेडलर भवानी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो में 2020 पैरालंपिक खेलों में महिला एकल शिखर यानी महिला एकल शिखर सम्मेलन यानी फाइनल में रजत पदक जीत लिया है, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है। और यहां पर देखिए अमन वर्मा, प्रशांत जायसवाल, करुणा मैम प्रोवाइड द राइट आंसर, एंड रुपिंदर सर ऑल्सो प्रोवाइड द राइट आंसर, अमनदीप जी प्रोवाइड द राइट आंसर, और अमन वर्मा ने एक और लाइन लिख दिया है कि भाविना बेन पटेल फ्रॉम द गुजरात, बहुत बढ़िया। 34 वर्षीय पटेल अपने पैरालंपिक खेलों में चीनी पेडलर इंग झोउ से हार गई, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक है। ठीक है, दीपा मलिक के बाद पटेल पैरालंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी भारतीय महिला हैं, यानी आपको बता दें कि अविना के पहले तक ये दूसरी महिला थी। ठीक है, 2016 रियो ओलंपिक में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था, किसने, दीपा मलिक ने। चलिए तो आपको बता दें कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का ये 16वां संस्करण है, कौन सा संस्करण है, 16वां संस्करण है। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक ये चलेगा, टोक्यो में इसको आयोजित किया जा रहा है और 163 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये पैरालंपिक की कहानी है, वेल डन। सूर्या जी आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग सूर्या, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। चलिए, राजनाथ सिंह हैज नेम आर्मी स्पोर्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एस नीरज चोपड़ा स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी सेवा में, राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है। चलिए इंपॉर्टेंट और ताजा खबर, और नीलिमा मैम आपका स्वागत है, वेलकम नीलिमा मैम, आपका स्वागत है। तो राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है, आपको बताना है नीरज चोपड़ा स्टेडियम अब कहां पर स्थित है। और यहां पर सबसे पहले नीलिमा मैम ने और करुणा मैम ने आंसर दे दिया पुणे, क्या आंसर दे दिया, पुणे इज द राइट आंसर, वेल डन, क्या बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजिटेड द आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे एंड नेम द आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम एज नीरज चोपड़ा स्टेडियम, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। द फोकस ऑफ इंडियन आर्मी इज टू आइडेंटिफाई ट्रेन प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन 11 डिसिप्लिन्स, 11 श्रेणियों में अपने स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करना आर्मी का मुख्य फोकस और ध्येय है। द इंडियन आर्मी मिशन ओलंपिक प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2001 विच इज इंटेंट टू डिलीवर मेडल विनिंग परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक एंड अदर इंटरनेशनल इवेंट। नीरज चोपड़ा हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया
इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक। और ये आपको बता दें कि ये आर्मी से ही अटैच है नीरज चोपड़ा। चलिए तो आपको बता दें नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया गया। नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे में स्थित है और आर्मी चाहती है कि मिशन ओलंपिक जो कार्यक्रम 2001 में इंपॉर्टेंट है, ये मिशन ओलंपिक कार्यक्रम भारतीय आर्मी के द्वारा सेना के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था 2001 में, ठीक है, इसके तहत 11 श्रेणियों में अच्छे प्लेयर तैयार किए जा सकें। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4-5 और अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 6। यस सूर्या बिल्कुल सही, नीलिमा मैम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, अमनदीप सिंह, जुबैर आलम और आपको बता दें यहां पर रुपिंदर सिंह और यहां पर करुणा मैम, बहुत बढ़िया क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, फ्रेडरिक ओवर डिस्क पुरुष या महिला क्रिकेट इतिहास में एक T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली प्रथम क्रिकेटर बन गई हैं, उसी के संदर्भ में वह किस देश से ताल्लुक रखती हैं। आपको बताना है एक स्पोर्ट्स पर्सन है महिला फ्रेडरिक ओवर डिस्क, इन्होंने पुरुष और महिला अगर दोनों में देखा जाए तो एक मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है, ठीक है, T20 मैच में 7 विकेट ले लिए। आपको बताना ये किस देश से आती है, किस देश से आती है, आपको इनका नाम बताना है। चलिए दोस्तों T20 में 7 विकेट, T20 के एक मैच में 7 विकेट ले लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, 7 विकेट ले लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए फटाफट आंसर देना है दोस्तों, फटाफट आंसर देना है। तो ये किस देश से आती है, फेडरिक मैम किस देश से आती है, तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। क्या है सही आंसर, नीदरलैंड इज द राइट आंसर। देखिए आपको बता दें नीदरलैंड की महिला तेज गेंदबाज फेडरिक ओवर डिस्क पुरुष या महिला क्रिकेट इतिहास के T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है, पहली क्रिकेटर है याद रखना। कहां से आती है, नीदरलैंड से। 20 वर्षीय इन्हें फ्रांस के खिलाफ ICC महिला T20 विश्व कप यूरोप क्वालिफायर मैच में यह उपलब्धि हासिल की है, यानी इन्होंने, आपको बता दें कि अभी जो ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर मैच चल रहा है वहां फ्रांस के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट लिए, उन्होंने 4-2-3-7 के आंकड़े से जीत, 4 ओवर में उन्होंने 3 रन 7 विकेट लिए हैं, 2 मेडल है। तो T20 इंटरनेशनल में पिछला रिकॉर्ड अंजिल चंद के पास था जिन्होंने 2019 में मालदीव के खिलाफ नेपाल के लिए 0 रन पर 6 विकेट लिए थे। अंजलि चंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। और दीपक चहर ने 2019 नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए 7 रनों पर 6 विकेट लेकर पुरुषों का रिकॉर्ड बनाया था, तो अब ये रिकॉर्ड टूट गया है 7 विकेट एक पारी में, क्या बात है। नीदरलैंड बिल्कुल सही आंसर अमनदीप जी और नीलिमा मैम। तो नीदरलैंड के बारे में बता दें यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम, क्या है, एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। और आपको बता दें यूरो यहाँ की मुद्रा है और प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूट। क्या नाम है, मार्क रूट। क्या नाम है प्रधानमंत्री का, मार्क रूट। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है, वे किस खेल से जुड़े हैं। योगेश कथुनिया साहब वॉन द सिल्वर मेडल इन टोक्यो, मेडलों की बौछार कर दी है भारत ने, पिछले ओलंपिक से बेस्ट परफॉर्म कर रही है पैरालंपिक खिलाड़ियों की ये टीम, बहुत बढ़िया। और इस बार पैरालंपिक में ज्यादा खिलाड़ी भी भारत की तरफ से भेजे गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सूर्या जी ने भी आंसर ए दे दिया था, बहुत बढ़िया क्या बात है। नीलिमा मैम ने लिख दिया है डिस्कस थ्रो, बिल्कुल सही आंसर है डिस्कस थ्रो, बिल्कुल सही है। योगेश कथुनिया साहब डिस्कस थ्रो के प्लेयर है, किसके प्लेयर है, डिस्कस थ्रो, याद रखना योगेश कथुनिया साहब डिस्कस थ्रो के प्लेयर है। तो डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया क्लिंच अ सिल्वर मेडल इन मेन्स F56 इवेंट इन द पैरालंपिक। तो पैरालंपिक के अलग अलग इवेंट अलग अलग कोर्ट से चलाए जाते हैं जहां पर डिसेबिलिटीज के लिए अलग अलग कोर्ट दिए गए हैं। तो F56 इवेंट में पैरालंपिक में भारतीय टीम की तरफ से योगेश कथुनिया साहब ने सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। 24 ईयर ओल्ड बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम न्यू दिल्ली किरोरीमल कॉलेज सेंट इज डिस्कस टू द बेस्ट डिस्टेंस 44.38 मीटर इन 6 इन लास्ट अटेम्प्ट टू क्लिंच द सिल्वर मेडल। इन्होंने अपने छठवें और लास्ट अटेम्प्ट में 44.38 मीटर की थ्रो कर सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो अमनदीप जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं
और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं प्लीज प्यार बरसा दीजिए। आज का सेशन पैरालंपिक स्पेशल है, आज का करंट अफेयर्स का सेशन पैरालंपिक्स स्पेशल है। सन ऑफ एन आर्मी मैन, एक आर्मी मैन के पुत्र कथुनिया सफर्ड अ पैरालंपिक, क्या लिखा, पैरालिस्टिक अटैक एट द एज ऑफ 8 विच लेफ्ट हिम विद कोऑर्डिनेशन इंपायरमेंट्स इन हिज लिम्स। तो इनको असुविधा रही और इसके बाद इन्होंने यहां पर देखिए कितना अच्छा, योगेश कथुनिया साहब ने सिल्वर मेडल जीत लिया पैरालंपिक्स पुरुषों की F56 सीरीज में। और ये क्या फेंकते हैं, डिस्कस, क्या फेंकते हैं, डिस्कस फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, डिस्कस थ्रो करते हैं, बहुत बढ़िया। और देखिए तेगचंद फ्लैग बियरर ऑफ टोक्यो पैरालंपिक, बिल्कुल सही है नीलिमा मैम, तेगचंद बिल्कुल सही है। चलिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किस राज्य का, इसमें से किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बनवारीलाल पुरोहित जी को। चलिए फटाफट आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी सेवा में। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों, तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बनवारीलाल पुरोहित, और इन्हें किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, फटाफट आंसर देना है। पंजाब और चंडीगढ़, बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब और चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब और चंडीगढ़, क्या बात है। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है। ये इससे पहले बीपी सिंह बदनोर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे, ठीक है। अब देखिए अभी कुछ राज्यपालों की नियुक्ति हुई थी नई, अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से याद दिला दूं, कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बना दिए गए, थवरचंद गहलोत। मिजोरम के कौन बना दिए गए, हरी बाबू कंपति। मिजोरम के कौन बने हैं, हरी बाबू कंपति साहब बन गए हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन बन गए, मंगू भाई छगन भाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर साहब बन गए। गोवा के पी एस श्रीधरन पिल्लई साहब बन गए हैं। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्या बन गए हैं। हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय बन गए हैं और झारखंड के रमेश वैस बन गए हैं, ठीक है। तो ये हैं वो सभी नए राज्यपाल जिनका अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। और एक और राज्य है, एक और राज्य है जहां पर ला गणेशन बन गए हैं, कौन बन गए हैं, ला गणेशन कौन बन गए हैं, ला गणेशन साहब। अब आपको बताना ला गणेशन साहब किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं, ला गणेशन साहब किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं, ला गणेशन, चलिए फटाफट बताइए, ला गणेशन साहब किस राज्य के नए राज्यपाल हैं, राज्य का नाम आपको बताना है, ला गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल हैं, फटाफट बताइए, ला गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल हैं, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग, सभी लोगों को आंसर देना, ला गणेशन इज अ न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। चलिए फटाफट आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं ला गणेशन इस समय जो नए राज्यपाल हैं ये कहां के हैं, मणिपुर, कहां के बन गए हैं, मणिपुर, बिल्कुल सही है मणिपुर, नीलिमा मैम ने सही आंसर दिया मणिपुर। अब देखिए तमिलनाडु के बारे में कुछ बता दें, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ही हैं पुरोहित साहब, और तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर दो मंदिर, मंदिर कौन से फेमस है पहले ये समझ लीजिए, मंदिर का नाम है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल भी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही आंसर है। और तेजस सर आपका स्वागत है, नटराज टेम्पल कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मंदिर की बात हो रही है, किसकी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पाया जाता है, और नटराज टेम्पल कौन सा, नटराज टेम्पल कहां पाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे झील की, किसकी बात करेंगे, झील की, तो वरीजेम, 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 वरीजेम झील कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में।
काली वेली झील कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर इसके बाद यहां का जो रिवर, मेन रिवर है, वो कौन सी है, कावेरी। कावेरी जल विवाद भी हुआ अगर आपने देखा हो तो, कावेरी यहाँ की मुख्य नदी है तमिलनाडु की, कावेरी, ठीक है। फिर यहाँ के डैम की अगर हम बात करें, बांध कौन से बांध है, एक तो मैतूर, कौन सा डैम, मैतूर डैम, और भवानी सागर, कौन सा, भवानी सागर डैम, भवानी सागर डैम यहाँ का फेमस डैम है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ का फेमस फोक डांस, सबसे ज्यादा फेमस फोक डांस यहाँ का जो फेमस है उसका नाम है भरतनाट्यम, इसको हिंदी में ही लिखेंगे भरतनाट्यम, बहुत फेमस है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बहुत एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम यहाँ का फेमस फोक डांस है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में, तो तमिलनाडु के जो नेशनल पार्क है दो बहुत फेमस है, एक का नाम है अन्नामलाई, क्या नाम है, अन्नामलाई, अन्नामलाई, और दूसरे का नाम है मधुमलाई, क्या नाम है, मधुमलाई, ठीक। ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है, क्या है, नेशनल पार्क। चलिए तो ये तमिलनाडु के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने BH सीरीज पेश की है जो नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह है, जिसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस BH सीरीज, अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स विच स्टैंड्स फॉर, तो आपको BH का फुल फॉर्म बताना है, BH का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है BH का फुल फॉर्म, सभी दोस्तों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है आज के सेशन में, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन सकते हैं आज के सेशन से। और यहां पर नीलिमा मैम ने ए आंसर दे दिया है, भारत सीरीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है भारत सीरीज, नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए, नए जो व्हीकल्स हैं, नए व्हीकल्स हैं उनके, नए व्हीकल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं इनके रजिस्ट्रेशन के लिए, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो नई तकनीक लॉन्च की गई है इसका नाम है भारत, भारत सीरीज, क्या नाम है, भारत सीरीज, भारत सीरीज, ठीक है, भारत सीरीज को लॉन्च किया गया है। भारत सीरीज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले अलग अलग सीरीज के आधार पर आपकी नंबर प्लेट जारी होती हैं, इसी प्रकार अब भारत सीरीज में नंबर प्लेट जारी होंगी। तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल भारत सीरीज, ठीक है, BS सीरीज, अ व्हीकल विद BS सीरीज मार्क विल नॉट रिक्वायर्ड अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क व्हेन द ओनर शिफ्ट फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। जब देखिए जैसे अभी लिखा है UP 32, तो ये लखनऊ का है, ठीक है, फिर आप पहुंच गए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का कोड होगा, तो जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते तो आपको ये रजिस्ट्रेशन शिफ्ट कराना पड़ता था, लेकिन अब भारत सीरीज से, BH सीरीज से आपके जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होंगे वो BS सीरीज से होंगे, जिससे आपको जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं कराना होगा, ओनर एक ही नंबर के साथ ऑल ओवर इंडिया में अपनी गाड़ी के साथ सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, समझ गए बात। चलिए अगली खबर पे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने ये रही, नेक्स्ट खबर आपके सामने, चलिए, हु क्लिंच इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स फॉर इंडिया एट ऑन गोइंग टोक्यो पैरालंपिक 2020 जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, और देखिए यहां पर भी जेवलिन थ्रो में ही गोल्ड मेडल आया है, यानी भारत में अगर हम बात करें तो जेवलिन थ्रो इस समय स्वर्णिम सफर चल रहा है जेवलिन थ्रो का। चलिए तो आपको आंसर देना है दोस्तों, हु क्लिंच इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स फॉर इंडिया एट ऑन गोइंग टोक्यो पैरालंपिक 2021। चलिए दोस्तों सभी दोस्तों को आंसर देना है, तो आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में कल ही ताजा खबर आई है, सुमित अंतिल ने यहां पर क्या जीता है, गोल्ड मेडल, क्या जीत लिया है, गोल्ड मेडल, वेल डन। 23 वर्षीय जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल बैग गोल्ड इन मेंस जेवलिन थ्रो F64 इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक, ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्राइस ड्यूरिंग द फाइनल एंड वन
द बेस्ट थ्रो 68.55 मीटर्स, ही केम अप विद द 66.95 मीटर थ्रो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इन्होंने 66.95 से शुरुआत की और 68.55 मीटर का जेबलिन फेंक के रिकॉर्ड इतिहास रच दिया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। सबसे पहले अमनदीप सिंह ने आंसर दिया डी, अमनदीप सिंह ने कहा है सुमित अंतिल, नीलिमा मैम ने सुमित अंतिल जी कहा है, करुणा मैम ने भी सुमित आंसर दिया है और असर खान साहब भी आ गए हैं। तो यहाँ पर पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल कल ही जीता है। इट्स इंडिया सेकेंड गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक विद सूटर अवनी लिखारा और विन द फर्स्ट राउंड टू वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। तो पहले तो अवनी ने जीता है और दूसरा किसने जीता है, सुमित ने। ठीक है, इन्होंने जीता है जेवलिन में, किसमें जीता है, जेवलिन में जीता है और इन्होंने 10 मीटर राइफल में जीता है, किसमें जीता है, राइफल में जीता है और ये दोनों ही गोल्ड मेडल कल आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओडिशा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार नवाजा गया है। ओडिशा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। तो आपको बताना है किस हॉकी खिलाड़ी को अभी हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बता दें हॉकी का स्पॉन्सर भारतीय हॉकी का जो स्पॉन्सर है वो कौन है, वो है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा इज द स्पॉन्सर, ठीक है, उड़ीसा राज्य स्पॉन्सरशिप कर रहा है भारतीय हॉकी का। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर एस्टेब्लिश हो रहा है, राउरकेला में, ठीक है, और इसी के तहत देखिए राउरकेला भी कहां पाया जाता, उड़ीसा में, ठीक है। अब आपको बता दें कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है हॉकी का, किसका, हॉकी का, वो भी कहां पे होने जा रहा है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। ये तीन खबर समझ ली। और अभी हाल ही में उड़ीसा ने अभी हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार के लिए किसको चुना है, अमित रोहिदास को। इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है अमित रोहिदास। जुबैर आलम जी ने सही आंसर दिया, नीलिमा मैम ने सही आंसर दिया है और आपको बता दें कि यहां पर अमनदीप जी ने सही आंसर दिया, करुणा जी ने सही आंसर दिया और असर खान जी ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आप सभी को बता दें अमित रोहिदास इंडियन हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टीजियस बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। रोहिदास ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा वॉज गिवन अवार्ड बाय द स्टेट स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस मिनिस्टर टी के बेहरा। ही वॉज गिवन किटेशन एंड कैश प्राइस 2 लाख रुपीज। तो इनको 2 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत दिया गया है। अब आपको उड़ीसा के बारे में बता दें तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे पहले जो नेशनल पार्क हैं, दो फेमस हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। कौन सा है, सिमलीपाल, ये दो नेशनल पार्क हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम डैम की बात करें तो यहाँ का फेमस डैम हीराकुंड है। कौन सा है, हीराकुंड डैम फेमस डैम है, यहाँ का फेमस डैम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रिवर की बात करें तो यहाँ की जो फेमस रिवर है वो महानदी है। कौन सी है महानदी, यहाँ की फेमस रिवर है, ठीक है। और फर्स्ट सिटी टू गेट 100% वैक्सीनेटेड भुवनेश्वर, भारत का पहला शहर जो 100% वैक्सीनेट है उसका नाम है भुवनेश्वर है। और भारत का पहला शहर जहां
100% प्योर ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है। क्या है? उसका नाम है पुरी। क्या नाम है? पुरी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उस भारतीय हाई जंपर का नाम बताइए जिसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद P47 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए फटाफट आंसर देना है, चलिए फटाफट बताना है। नेम द इंडियन हाई जंपर हु क्लिंच अ सिल्वर मेडल इन मेन सिंगल जंप T47 इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम। यस यस करुणा मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अंतिम क्वेश्चन है बेटा, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है निषाद कुमार जी। बिल्कुल सही आंसर है निषाद कुमार, जिन्होंने भी हाल ही में हाई जंपर निषाद कुमार क्लिंच अ सिल्वर मेडल इन मेन सिंगल जंप T47 इवेंट टोक्यो पैरालंपिक 2020। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार ने क्या जीत लिया है? सिल्वर मेडल। क्या जीत लिया दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। He made jump 2.06 meter and went on create an Asian record. और इन्होंने Asian record भी बना दिया है। USA Roderick Thompson and Dallas Wise won gold and bronze medal respectively. तो यहां पर USA के पास गया है gold, ठीक है, और इंडिया के पास आया है silver। किसके पास? इंडिया के पास आया है silver। तो असर खान ने कहा पीडी और असर खान, निषाद जी सभी ने आंसर दिया है, सॉरी करुणा जी, नीलिमा मैम, अमनदीप जी और असर खान सभी ने आंसर दिया है। यहां पर सही आंसर है सिल्वर। क्या है सही आंसर? सिल्वर मेडल इज द राइट आंसर। वेल डन। तो दोस्तों ये था आज का मेरा करंट अफेयर का सेशन, जो पैरालंपिक्स 2021 पर बेस था, जहां पर भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसीलिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस हैं। तो आपके क्वेश्चन बने उसके पहले हम आपको पढ़ा दें जिससे कि आप अपनी तरफ से स्ट्रांग रहें। तो अगर आप मेरा कल से जो प्लस कोर्स आ रहा है, आप इस प्लस कोर्स को कल से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ और यहां पर आपको यूज करना है मेरा कोड ARS50, यहां से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन में कुछ इनअप्रोप्रिएट है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर। और अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, अपना प्यार बरसा दीजिए और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो आज के लिए धन्यवाद। कल से 10:30 बजे, कल से 1 सितंबर से मेरा प्लस कोर्स आ रहा है, 10:30 कहां से आ रहा है? 10:30 AM से आ रहा है, जहां पर बैंकिंग, पूरी बैंकिंग में पढ़ाऊंगा आपको आसान शब्दों में। 1.5 घंटे का बैच होगा, 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, आप इसे डेली बेसिस पर मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जुबैर आलम जी, अमनदीप जी, रुपेंद्र जी, असर खान जी, करुणा जी, नीलिमा मैम, सभी को सहृदय धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।